नमस्कार दोस्तों, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 26 अप्रैल 2024 फ्राइडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बर्मा। डॉलर इंडेक्स अभी है 105.67। कल के दिन में जो भी डेटा पॉइंट आया उसके बाद डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स में हल्का सा वीकनेस देखा गया। फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ 105.99 moved lower towards 105.50 and closed at 105.57. अभी 105.67 पे है। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है उसके लिए हमें थोड़ा सा जो रिसेंट स्विंग हाई है फ्रॉम 8th मार्च टिल योर 16th अप्रैल एक अपमूव गया है, एक अपमूव गया। इट्स नॉट ए स्ट्रेट अपमूव बट इन बिटवीन सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन। अभी अगर इसको नीचे आना है तो क्या कह रहा है, ये देखिए, ये कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्म कर रहे हैं। दैट बीइंग द केस, इसको अगर नीचे जाना है तो अभी यहाँ पे एक स्विंग हाई है एट 106.50। आने वाले दिनों में ये 106.50 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, ये हो गया ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ हमारे पास एक सपोर्ट है जो है आपका 105 के आसपास। ये यहाँ पे आने के बाद बाउंस बैक ऊपर की तरफ नहीं करना चाहिए, रेदर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेट करके दोबारा नीचे की तरफ आना चाहिए। सो नीचे की तरफ फर्स्ट सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 105.00। उसके बाद और भी नीचे आते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, पहले रेजिस्टेंस था, नाउ इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट। दैट बीइंग द केस, ये जो आपका 103.7090 दिस एरिया इज गोइंग टू एक्ट एज सेकेंड सपोर्ट लेवल। सो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये 106.50 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे 105 के आसपास आने के बाद इसको शार्प बाउंस बैक नहीं करना चाहिए, रेदर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद इस 105 को तोड़ना चाहिए इन सच केस। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में कल हमने क्या देखा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विथ एन इंट्राडे लो ऑफ 1.2450 एंड हाई ऑफ 1.2525। करेंटली किस एरिया पे है, पहले का सपोर्ट एरिया कौन सा है, 1.25 से 1.2550 का ये पहले सपोर्ट था, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अभी हमें देखना है दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया, अभी आया रेजिस्टेंस लेवल बनाया, क्या ये नीचे जा रहा है या यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद ये ऊपर जा रहा है। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन थिंक अबाउट। सो हमें आने वाले दिनों में, आज हो गया वीक का लास्ट डे, मंडे ऑनवर्ड्स क्या गया यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। अगर ये रेजिस्टेंस लेना है तो काफी जल्दी से रेजिस्टेंस लेके क्विकली ये नीचे की तरफ आना चालू करेगा। अगर यहाँ पे ये 2, 5, 7, 10 दिन अगर कंसोलिडेट करता है अराउंड 1.25 एंड 1.2550, दैट बीइंग द केस इट इज गैदरिंग स्ट्रेंथ टू ब्रेक अबोव द रेजिस्टेंस लेवल। क्या होता है आज के दिन में या मंडे ऑनवर्ड्स, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देन कम्स योर जीबीपी आईएनआर। सिमिलरली जीबीपी आईएनआर क्या किया, बंदे ने पहले सपोर्ट को तोड़ा, कौन सा सपोर्ट है आपका 104 से 104.50 का एक सपोर्ट लेवल, इसको तोड़ा, अभी तोड़ के ऊपर आया हुआ है। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आने का, दूसरा वाला है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ जाए, क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस कॉन्फर्मेशन करना है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे स्ट्रेट चार्ट कैंडल अप गया है, आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आप देखोगे ये एक ग्रीन कैंडल है 25 अप्रैल का, इस कैंडल के लो के नीचे सेलिंग कर सकते हैं। इसके अभी का जो स्विंग हाई है above that is going to be a resistance level for a target of 1:1.5 से 1:2 का एक टारगेट बन सकते हैं। यानी उसके लिए हमें इसका लो क्या है, लो आपका 103.80, 103
3.80 के नीचे हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाएगा। आप देखो, व्हाइल डिस्कसिंग द जनरल प्राइस एक्शंस, आई एम आल्सो डिस्कसिंग द प्राइस एक्शंस। ये हो गया आपका एम पैटर्न। ये एम पैटर्न में आप बोलोगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल पे है, दैट इज द मेन रीजन। तो इसके लो के नीचे 1:2 का, 1:1.5 या 1:2 का हम ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया जीबीपी आईएनआर। हम अगर जब डिस्कस किए हैं तो जीबीपी डॉलर में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जीबीपी डॉलर में भी सिमिलरली ये जो एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल, लास्ट बड़ा 4 आवरली ग्रीन कैंडल, जिसका लो है 1.2456, तो टू बी प्रेसिस 1.2450, 1.2450 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। ये जो स्विंग हाई है 1.2530 के ऊपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट शुड बी 1:1.5 से 1:2 का हम ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया आपका जीबीपी आईएनआर एंड जीबीपी डॉलर। नेक्स्ट आपका आ रहा है यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में ये रेजिस्टेंस को तोड़ा, कंसोलिडेट करके अभी ऊपर जाने का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर भी दो अपॉर्चुनिटी है, एक है रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का, दूसरा वाला है यहाँ पे ज्यादा टाइम कंसोलिडेट करना नहीं चाहिए, रेदर ऊपर जाने के लिए जल्दी से ऊपर जाने का तैयारी कर सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है, उसका रीजन क्या है, ये स्ट्रेट अप मूव नहीं दिया, यहाँ पे सीढ़ी बना के ऊपर जा रहा है। सो दैट इज वाई जीबीपी डॉलर में हमें टाइम कंसोलिडेशन चाहिए अगर ऊपर जाना है, क्योंकि ये स्ट्रेट अप मूव दिया है। यूरो डॉलर में आपका स्ट्रेट अप मूव दिया नहीं है, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके गया है। सो वी मीन्स इसको अगर ऊपर जाना है तो ज्यादा इस रेजिस्टेंस लेवल पे टाइम कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए। दैट बीइंग द केस, हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस को हो क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी एक्ट एज ए इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल। यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर पे भी सिमिलरली देखो, ये बेसिकली क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ा ही नहीं, रेदर सपोर्ट जोन पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। अब ध्यान से देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है। यहाँ पे एक लॉन्ग का बिल्डअप सोच सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। अभी आते हैं डॉलरियन। डॉलरियन में 156 चला गया, सो यहाँ पे बाई डिप्स का ही चलेगा। यहाँ पे हमारा ये टारगेट था इसके लो के नीचे सेलिंग के लिए, लेकिन उधर आया ही नहीं है, रदर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इसके लो के नीचे कब आता है, अगर बीओजे कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते, जो ले नहीं रहे हैं। सो दैट मीन द केस, हमारा डॉलर यन का टारगेट कहाँ पे है, हमारा डॉलर यन का टारगेट है आपका 164, ये वाला लेवल टारगेट है मंथली परस्पेक्टिव में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना रेंज बनाया है ये वाला से यहाँ तक का, जहां से ये अप्रूव दिया है, यहाँ से 140 से 152, 12 रुपया, यहाँ पे फिर 12 रुपया, दैट मीन्स 12 बिगीज आपका जितना 164, इतना ही है। ज्यादा कुछ मीन्स कॉम्प्लेक्स रखना नहीं चाहता हूँ। सो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखना है। इक्वली इम्पोर्टेंट इज वी नीड टू कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, बिकॉज बीओजे कुछ भी कर सकते हैं। ये आईएनआर पे नीचे की तरफ जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो टारगेट है ये है 50-50 का, 0.5050 का जेपीवाई आईएनआर का टारगेट है। अगर डॉलर येन 164 के तरफ जाता है तो येन आईएनआर 50-50 के तरफ आएगा। अभी कैंडी, कैंडी पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सपोर्ट लेवल पे आके टाइम पास करने का प्रयास कर रहे हैं। इस टाइम पास के बाद हमें ऑब्जर्व करना, क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या डायरेक्टली नीचे की तरफ आते हैं। अभी आते हैं ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में यहाँ पे क्या किया, एक फॉल्स ब्रेकडाउन बनाया था, इस रेंज के नीचे आया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाए ऊपर। दैट बीइंग द केस, अभी फॉल्स ब्रेकडाउन का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अदर रेंज की तरफ काफी जल्दी से जाना चाहिए। दैट बीइंग द केस, ऑसी डॉलर आने वाले दिनों में इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स 0.6650 की तरफ जाना चाहिए विद स्टॉप लॉस दोबारा ये इस रेंज के नीचे, यानी 6460 के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए, इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। अदरवाइज इट विल पूरा का पूरा जो ब्रेक डाउन है उसका पूरा तेल निकाल के छोड़ देगा। दैट मीन द केस, यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग ऑसी डॉलर टू मूव टुवर्ड्स 6650 विद ए स्टॉप लॉस बिलो 6640 टू बी प्रेसेस 6450 CNH में ये कंसोलिडेट कर रहा है, हमारा डेंजर जोन है 7.29, इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं इन सच ए केस, रूपी के लिए बहुत गंदा प्रेशर आ सकते हैं। अभी आते हैं
ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड में हमारा क्या है, देखो यहाँ पे हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस था, 19 अप्रैल का हाई एंड 22 अप्रैल का लो इज द इम्पोर्टेंट जोन। इस जोन के आइदर साइड ब्रेकआउट पे एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज के दिन में ये ऊपर जा रहे हैं। दैट मीन द केस यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं फॉर ए टारगेट, फर्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 9050, सेकेंड टारगेट टुवर्ड्स 9120। क्या होता है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी ऊपर के तरफ रेजिस्टेंस लेवल पे काफी टाइम पास कर रहे, दैट इज द कंसर्न। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगे जल्दी से जल्दी आ जाता तो बढ़िया होता, लेकिन जल्दी से जल्दी आ नहीं रहे हैं, रेदर ये टाइम पास कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जाने का ये बंदा तैयारी एनर्जी ले रहे हैं। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी सिमिलरली ये रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक जोन बना रहे, नीचे की तरफ हो गया जो ऑलरेडी रेड कलर का लाइन है एंड ऊपर की तरफ भी एक रेड कलर का लाइन है, ये दो लाइन बिकम्स द इम्पोर्टेंट जोन। इस जोन के बाहर एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं लास्ट इज आवर डॉलर रुपी। डॉलर रुपी यहाँ पे पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 83.30। बेसिकली आपका अगर वीकली चार्ट को देखोगे, वीकली चार्ट में ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है 8 अप्रैल का वीक वाला, जो इसके लो के नीचे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसमें आया नहीं है और अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन कर रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक जोन बनाया हुआ है। क्या जोन बनाया हुआ है, उसके लिए हमको ड्रॉ करना है एक रेंज, ये ऊपर की तरफ ये रेंज, ये सॉरी ये और नीचे की तरफ ये रेंज, ठीक है, ये रेंज इसके नीचे यानी आपका 83.22 से 83.24 इसके लो के नीचे आने वाले दिनों में डॉलर रुपी एप्रिशिएट मींस रुपी एप्रिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज वही तीन इंपॉर्टेंट ट्रिगर से, पहला इंपॉर्टेंट ट्रिगर इज इनविजिबल एंड दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर इज योर CNH, तीसरा इज डॉलर इंडेक्स, तीनों को हमें कॉम्बिनेशन करके देखना चाहिए। जब तक इनविजिबल एंड बैठे हुए हैं ज्यादा कुछ मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा ब्लिप ब्लप करता है, जैसे देखोगे कि 22 मार्च को एक आपका 83.70 तक गया था जहाँ पे भयंकर स्टॉप लॉसेस हो गया था। अभी दोबारा कंसोलिडेट कर रहे हैं एक नैरो रेंज के बाद, इसको कंसोलिडेशन होने देते हैं, उसके बाद फिर इस टाइप का एक इवेंट आएगा, क्या ये ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, लेकिन लोगों का ट्रेडर्स का आपका स्टॉप लॉसेस का बैंड बजाने वाला है। सो एनीवे अभी इस बॉक्स के नीचे यानी 83.22-84 के नीचे हल्का सा करेक्शन, ज्यादा कुछ नहीं है, 83.15-16 तक, उसके फिर 83.15-16 के नीचे में भी 83 के आसपास का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये प्राइस एक्शन। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।